पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 BHK 2 BHK और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 acre 7 story 6 tower में बना है विथ बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर्स के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मुंब्रा का दौरा मेरा चलते ही रहता है पर मैं आज खास करके आया था मुंब्रा की भीड़ देखने के लिए। लोगों से पूछ रहा था आप कहाँ से आए हो तो कोई बताता था कि हम मोहम्मद अली रोड से आए हैं, कोई बोलता था हम गाँव देवी से आए हैं, कोई बोल रहा था हम जगेश्वरी से आए हैं, कोई बोल रहा था हम पिंपरी चिंचवड़ से आए, कल्याण से आए, अमरनाथ से आए। ये सब देख के मुझे लगा कि मुंब्रा कुछ अलग ही बन रहा है। ये रास्ते पे भीड़, एक जमाने में मुझे ये भीड़ अच्छी नहीं लगती थी लेकिन ये भीड़ ये जता रही है कि मुंब्रा का अर्थकरण बदल रहा है। मुंब्रा को एक कमर्शियल एंगल आ गया है। अगर खाने के इतने होटल्स खुल रहे हैं इसका मतलब उनको धंधा मिल रहा है। और सबसे अहम बात क्या है तो यहाँ के रास्ते। सर रमजान के महीने में जिस तरह से मुंब्रा कोसा में ट्रैफिक जाम का मसला खड़ा होता था लेकिन मर्जिया शानू पठान पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है अपनी पूरी टीम के साथ, तो मर्जिया शानू पठान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक जमाने में मुझे शानू पे बहुत फख्र था, अब शानू पे नहीं, अब मर्जिया पे। एक लड़की अगर ये काम कर सकती है तो उससे उसको देखकर कई लड़कियों ने बाहर आकर ये सब संभालना चाहिए। लड़कियों का भी फर्ज है शहर सुधारने का, क्योंकि माँ घर सुधारती है ना, माँ घर अच्छी रखती है ना, तो ये अपना शहर है, लड़कियों ने भी उसमें खुल के हिस्सा लेना चाहिए जैसी हमारी बेटी लेती है। सर लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हो रहा है तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम आ सकते हैं? देखो ऐसा है, मैं परिणाम बताने वाला कोई ज्योतिष तो हो ही नहीं, लेकिन जो हालात है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इतना खाया कि सब बाहर आ गए। सर लेकिन भाजपा तो कह रही है आपकी बार 400 के पार। अभी EVM मैनेज हुआ रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे, 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है और ये धोखा अगर हो गया तो समझो ये देश बर्बाद हो जाए। सर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ही महीनों के बाद में विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं तो कैसे देखते हैं आप विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि बहुत से लोग मतलब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। अच्छा अच्छी बात है और 10-15 लोग खड़े हो जाए तो मैं गणतंत्र में विश्वास करता हूँ। मैं किसी को रात को बुलाता नहीं हूँ, डराता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं, कोई भी खड़ा हो जाए। आप लोगों को रात को ऑफिस पे बुलाओ, डराओ, धमकाओ, मेरे बारे में गालियां दो, कुछ नहीं होता उससे, उनका मन और मजबूत हो जाता है। डराने से धमकाने से कोई अपना नहीं होता है, वो दिखाता है मैं तुम्हारा हो गया, वक्त आते ही पहला भाग जाता है। सबसे आखिरी सवाल, एक हफ्ते के बाद रमजान ईद का त्यौहार आ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे आप मुंब्रा कोसा और देशवासियों से रमजान ईद को लेकर? रमजान ईद के लेकर मैं इतना कहूंगा कि पाक महीने का आखिरी दिन आएगा, इबादत का महीना है, लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और एक अच्छा माहौल, अमन और शांति का माहौल पूरे मुंब्रा में तैयार हो जाता है। अब जब हर जगह से यहाँ लोग आते हैं इसका मतलब यह है कि मुंब्रा का नाम हर इलाके में अच्छे से लिया जाता है कि यहाँ जाओ कोई तकलीफ नहीं है, कोई डर नहीं है, जाओ वहाँ पे खाना खाओ, अपनी गाड़ी रहेगी गाड़ी लगाओ और वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि
मेरी कामयाबी पूछोगे आप तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोग बिना डर के मुमराह आ रहे हैं। अब जो पहला थपका लगा था मुमराह को, सर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर मुमराह कौसा वासियों को? बस अमन और शांति, अमन और शांति रखो, किसी के बहकावे में मत आओ, कोई रिएक्शंस मत दो, अपना अपना काम करो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, किसी के बहकावे में मत। बीजेपी जिस तरीके से 400 पार बोल रहे हैं, मुमराह कौसा वाले बोल रहे हैं 140,000 पार आवर से होगा इंशाल्लाह।